क्या हुआ? हो गई छुट्टी। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ डर तो हो गई ना, देख खून भी निकल रहा है। तुमने तो खुद निकाल लिया। नहीं क्या हुआ, स्कूल वूल छोड़ के यहाँ पे रास्ते पे क्यों बैठे हो तुम तीनों? तुम्हें तो मैंने हमेशा रोते हुए या तो शिकायत करते हुए देखा है। हंसने मुस्कुराने से कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? हाँ दिखाई नहीं देता, उसे पांव में कांटा लगा है। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रहने दो। और तुम दोनों डरपोक, एक कांटा नहीं निकाल सकते क्या? अरे मौसी जी नमस्ते। बस इतनी सी बात थी और तुम खामखा इतना शोर मचा रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम सिर्फ इतना कह दो कि तुम भी मुझे अपना दोस्त मानती हो, जैसे कल तुम्हारे भाई ने कहा। तुमसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करनी है, और दोस्ती करे तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, समझे? चलो वो बेचारा तो तेरी मदद कर रहा था सुगना, फिर क्यों चिल्ला रही थी उस पे? मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, और वैसे भी वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सुनो अपनी मोजड़ी तो लेती जाओ। देखा ऐसे गुस्सा नहीं करती मैं इस पे, ये लड़का है ही इस लायक, मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद ही रख लो। चलो दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी इसे, अगर इस लड़की ने ना हंसने की कसम खाई है तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। जब तक इसके चेहरे पे मुस्कान नहीं ले आता हार नहीं मानूंगा। हो गया ना खेल, अब तो दूध पी ले, कितनी देर से खड़ी हूँ मैं, कब से कह रही हो जा गया, पर तू कब से कह रही हूँ आपको, पर आप है कि सुनते ही नहीं। तू मुझसे बात कर रही है ना? हाँ और कोई है क्या यहाँ? तो फिर आप अब करके क्यों बात कर रही है? आपके सामने ही तो दादी साहब ने मुझे कितनी डांट लगाई और कहा कि अपने बीन को उसके नाम से ना बुराना और आप अब करके ही बात करना, इसलिए। नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि तू किसी और से बात कर रही है, तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं रजिया मुझे तो बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रही हूँ। तो पहले की तरह जग्या है जगदीश है बुलाया करना। पर दादी साहब वो बहुत नाराज होंगी जग्या। हर बात दादी साहब को बताना जरूरी है क्या? जब वो और बाकी घर वाले रहेंगे तो जितना मर्जी आप करते रहना, और जब वो लोग नहीं रहेंगे तब तो मेरा नाम ले सकती है ना तू। हाँ किसी को बताना चलेगा? देखा मेरा दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा चलता है, और एक तू है, इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती।
चल अब बातें मत बना, दूध पी ले। नहीं ना, बाद में पी लूंगा। बाद में नहीं, अभी। खाना खाने का समय हो गया जगिया, मुझे बहुत सारा काम करना है, ले। ठीक है ना, पीता हूँ ना, इतना दोस्त को जमाती है। देवी माँ की माला में अगर लाल मोती और फिरो दे ना, बहुत चोखी लगेगी। हाँ होते। अरे जगदीश कहाँ है? कौन है रे छोरे, ऐसे ही मुंह उठाए चला आवेगा हमारे घर के अंदर? अरे बेटा श्याम आ जा। गणिक खम्मा मासी जी ते रहो बेटा। गणिक खम्मा अरे कल्लो, मैंने बताया था ना, इसी ने तो जगह की जान बचाई। और बेटा ये जगदीश की दादी सा है। आजा बेटा आजा, बैठ बैठ जा। देवी माँ लंबी उम्र दे रहे हैं। जीजू ने बताया कैसे तूने हमारे लाले सर को बचाया। बड़ा हिम्मत वाला बहादुर छोरा लागे मने। हाँ। कौन से गांव से है तू, जहाँ तो पहले कभी ना देखा? अब किस गांव का नाम लूं दादी साहब, मेरी माँ कहीं की रहने वाली तो बापू किसी और गांव के, और मेरी पढ़ाई लिखाई कहीं और की। पर एक बात तो है दादी साहब, मेरे लिए हर गांव की मिट्टी एक सी है, अपनी सी। अरे जब पहेलियां क्यों बुझावे तू, सीधा साधा जवाब देना। अरे कल्लो तू भी ना, ये अपने दोस्त से मिलने आया है, जगदीशा की जान बचाने के लिए धन्यवाद करने के बजाय सवाल जवाब लेकर बैठ गई। अरे बोला तो जीजी, इस छोरे के साहस की प्रशंसा ना की मैंने। ले इनाम है, हमारे पोते की जान बचाई ना तूने, रख ले। रख ले ना। आपके पोते की जान की कीमत सिर्फ 500 रुपए। बस हमारे पोते को कोई मोड़ ना है, समझा? चले। अब तो खुश? बहुत बहुत धन्यवाद दादी साहब, अब ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी महल में रहने वाले की जान बचाई है। छोड़ क्या लोगे बेटा? जी कुछ नहीं, पहले जगदीश से मिल लूं, वैसे ही मैं उसके लिए लाया था। आप खाएंगे? कल्लो आनंदी, ओ आनंदी, आई दादी सा।
इस छोरे को जगदीश के कमरे में ले जा। जा। चलिए। चलता। जी जी, मणि जे छोरा कुछ टेढ़ा लागे। अरे कल्लू, तो हर वक्त हर किसी के लिए बुराई क्यों सोचती है? अब बता, क्या बुराई है शाम में? अरे तुझसे क्या गलत बात कह दी मैंने? नहीं, बस तू मुझे बता, क्या बुराई है शाम में? दिखाई ना दिया आपको? कैसे सकड़ बिगाड़ बिगाड़ के तो बात करे, और बातों में कितनी बनावट। साफ साफ पता चले जे भला और शरीफ बनने का दिखावा करे दिखावा। मुझे कुछ नहीं कहना, आप जाके मिल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे भूख तो बहुत लगी मुझे। अच्छा, तुम लोगों ने अभी तक खाना वाना नहीं खाया ना? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में। तो ठीक है, जगदीश से बात बात करके फिर खाना खा के जाऊंगा मैं। चल बेटा, शाम लग जा काम पे। अरे नहीं 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 जगदीश, ऐसे नहीं, इसको यहां पे लेना, यहां पे हो गया ना? आप कब आए? बस अभी अभी। पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता, सारा ध्यान तो इस पे लगा हुआ था। बैठिए ना। कब से अटका था मैं यहाँ पे, आपने तो झट से बता दिया। आपको भी कंप्यूटर में गेम खेलना आता है? सिर्फ खेलना ही नहीं बच्चू, कंप्यूटर चलाना भी बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। इस जादू के बक्से पे जो जो कर सकते हैं सब आता है मुझे। सच्ची? आप सिखाओगे मुझे? हाँ सिखा देंगे, और उसके लिए एक शर्त है। अगर तुमने मुझे पंजा लड़ाने में हरा दिया तो मैं तुम्हें कंप्यूटर सिखा दूंगा। ठीक है, और साथ में दूध जले हुए खिलानी पड़ेगी। अच्छा भाई, वो भी खिला देंगे, पर एक बात बताओ, अगर मैं जीत गया तो तब क्या करोगे? हो ही नहीं सकता, पंजा लड़ाने में मुझसे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा ये बात है, तो चलो देखते हैं कौन किसे हराता है। चलो। अरे रुक जाओ, पहले इस खेल को तो खत्म कर लो भाई। चलो। सासु माँ, वो जग नहीं, वो उनसे मिलने वो आया है। क्या कह रही है आनंदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन आया है, किससे मिलने? मैं क्या बोलूं उनको? जगिया की बात कर रही है? हाँ सासु माँ, वो दादी सा ने कहा है ना कि अपनी बहन का नाम ना लेते, तो मैं उनको क्या बुलाऊं? बिन्नी अपने बहन को क्या कहकर पुकारती है? मेरी माँ तो बापू को आनंदी के बापू कहती है, और आप बापू सा को सुगना के बापू कहती हो, तो मैं जगिया मतलब अपने बीन को क्या कहकर बुलाऊं? किसी का बापू तो ना कह सकती ना उसे। जग्या, वो तो किसी का भी बापू ना है। मेरी प्यारी सी भोली सी आनंदी, इतना सोच मत, तू जग्या को मेरे सामने जग्या ही कह लिया कर। हाँ मगर मासा के सामने उसका नाम बिल्कुल मत लेना। पता है सासू माँ, जग्या ने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा, ने कहा कि अकेले में तू मेरा नाम ले सकती है, आप कहने की कोई जरूरत ना है। साची? साची, थारी सा। अच्छा बता कौन आया है? अरे देखा, मैं तो भूल ही गई, वो आए हैं जिन्होंने जगह की जान बचाई थी। श्याम, मैं ना उनके लिए पानी और लड्डू लेकर जाती हूँ। हाँ। अच्छा आनंदी सुन, पानी देकर फौरन वापस आ जाना, मैं तब तक चाय बना दूंगी उनके लिए, और उनसे ये भी कहना कि खाना खाकर ही जाए। हाँ सासू माँ, उन्होंने तो कहा कि मैं तो खाना खाकर ही जाऊंगा।
शस्त्र का खेल जीतना तो बहुत आसान है छोटे, इसमें जीत के बता तो मानो। इसमें मैं जीतूंगा, गिल्ली डंडा में मैं जीता था ना, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, याद है, सब कुछ याद है। क्या कर रहे हो आप दोनों? पंजा लड़ा रहे हैं। अगर मैंने श्याम भाई जी को हरा दिया ना तो वो मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे और साथ में दूध और जलेबी भी खिलाएंगे। और अगर तू हारा और श्याम भाई जी जीत गए तो? तू मेरी बीन है ना, तो मेरे हारने की बात क्यों करती है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। चलो खेल शुरू करो। लगा दम। चगिया जोर लगा के खेल, देख जीतना है ना तुझे। जीतना है ना, ध्यान लगा के खेल। क्यों बच्चे, हाथ दुख तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाथ ही तोड़ दिया जग्गा, कौन सी चक्की का आटा खाते रहे तू? अब आपको मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाना होगा। हाँ अब तो सिखाना पड़ेगा ही, और साथ में वो दूध जलेबी भी तो खिलानी है। तो एक काम कर, तू कल अपनी बिंदनी और जीजी को लेके हलवाई की दुकान पे आ जा, और अपने दोस्तों को भी ले आना, ठीक है? देख भूल गया ना, अपने दोस्त के लिए लाया था मैं। खाऊंगा ना। चलो ये लो। तुम ये लो, तुम ये लो। तुम यहां क्या कर रहे हो? जगदीश से मिलने आया था, बस निकल ही रहा था मैं, लेकिन तुम मेरा रास्ता रोक के खड़ी। मेरे घर तक कैसे? चल के और कैसे? कमाल है, ये भी कोई सवाल हुआ? इतना बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं, मैं फिर आऊंगा ना, जल्दी आऊंगा, और अगली बार तुम्हें भी अपनी खातिरदारी करने का पूरा मौका दूंगा मैं। वो क्या है ना, अभी जगदीश से दोस्ती वोस्ती हो गई, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, है कि नहीं? लेकिन इस वक्त मैं थोड़ी जल्दी में हूं, निकलूं, चलता हूं। अशिक्षित अबोध बाल विधवा रूढ़ियों के दायरे में खुद को इस तरह कैद कर लेती है कि नई सुबह की दस्तक को पहचान ही नहीं पाती।